अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है। आई हैव रिटन डाउन अ क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज सेक्शन। सेक्शन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, किस तरह से लिखते हैं, है ना, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं लिखने के। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट। तो सबसे पहला जो स्टेप है, एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसको बोलते हैं हेडर, यानी कि उसकी हेडिंग क्या क्या होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए, टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल दिल्ली 96। सो ये हेडर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लीव अ लाइन एंड सेकेंड इज़ द डेट। तो डेट लिखने का जो फॉर्मेट है, लाइक 29th September 2020, इस तरह से डेट लिखेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बड़ा नहीं होगा, सब्जेक्ट एक ही लाइन में आ जाएगा, जैसे रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन या रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ सेक्शन, ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट को लिखेंगे। फोर्थ जो होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ सैल्यूटेशन। हम लोग रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या मैम लिखते हैं ना, सो दिस इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन, ठीक है। अगेन लिविंग ए लाइन, वहाँ पे हम लोग जो फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेट का, वो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, समझिएगा, ब्रीफली मेंशन फॉर व्हाट यू आर राइटिंग। आपको मेंशन करना है कि किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस बात के लिए लिख रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है ना। सिक्स नंबर में जो पॉइंट है वो है बॉडी पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ का जो बॉडी है वो, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर राइटिंग फॉर ए रिक्वेस्ट। जो आपने लिखा है उसका क्या रीज़न है, किस बात के लिए रिक्वेस्ट आपने की है, दैट यू शुड मेंशन इन द बॉडी पैराग्राफ। सेवेंथ इज़ द क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, है ना, सिंसियरली योर्स, ये सारे चीज़ हम लिख सकते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर। एंड लास्ट जो होता है वो सिग्नेचर होता है, जिसमें हम सिग्नेचर, जिसमें योर इन नेम एंड इन्फो इन डिटेल, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिटेल में। एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज सेक्शन। आइए लेट अस डू द एक्सरसाइज। सबसे पहले हेडर हमारा क्या होगा, टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल D96 दिल्ली 110096। सो दिस इज द हेडर डियर स्टूडेंट्स। जो सेकेंड चीज होगा, लीव अ लाइन एंड स्टार्ट डेट 29 सितंबर 2020, ठीक है। थर्ड इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन। हाँ, एक चीज़ और, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना नहीं भूले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द सैल्यूटेशन आफ्टर लिविंग अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर या मैम, या फिर डियर सर या मैम भी लिख सकते हैं, ओके, या केवल सर या मैम भी लिख सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जैसा मैंने बताया कि आपको क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर राइटिंग, है ना। आई बेग टू से दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 8A to 8B। यहाँ पे क्लासेस अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, 10th A 10th B, 11th A 11th B, 12th A 12th B, एट्सेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द बॉडी पैराग्राफ। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें रीज़न के साथ स्टेट करते हैं, वाई आई वॉन्ट सो, है ना, क्यों हमें ऐसा करना है। इट इज़ बिकॉज माई यंगर सिस्टर स्टडीज इन दैट सेक्शन, आई ऑल्सो फील दैट वी वुड स्टडी टुगेदर विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड जील। ग्रेट इंटरेस्ट समझ रहे हैं, एंड जील का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज़म। सो ये बॉडी पैराग्राफ का हो जाएगा। क्लोजिंग पैराग्राफ में, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी योर परमिशन फॉर द सेम। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने परमिशन को ग्रांट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लोजिंग, थैंकिंग यू, इस तरह से लिखेंगे, दिस द क्लोजिंग। सिग्नेचर में सिंसियरली योर्स, नेम XYZ, जो भी नाम है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो आई थिंक इस तरह से हम लिखेंगे एप्लीकेशन को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।